हाय एवरीवन, दिस इज विशेष शर्वैया फ्रॉम ITDAB इंदौर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्पिटिटी काउंसलिंग वर्सेस जोसा काउंसलिंग। तो आप लोगों में से कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाना चाहिए या फिर NITs, IIITs और GFTIs की तरफ जाना चाहिए। तो यार डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। बस मैं उनमें डिफरेंसेस बता दूंगा और कुछ पैरामीटर्स बता दूंगा जिनके बेस पे आप डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी कि जब मैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने जोसा के लिए अकेले कर दिया था, MPDT के लिए नहीं किया था। और मुझे पता भी नहीं था कि MPDT होता है, क्योंकि जब IIT की प्रिपरेशन करते थे तो यही पता था कि IIT, IIITs और NITs ही होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैंने जोसा के लिए अकेला कर दिया, फिर मेरे राउंड्स निकलते गए और मुझे NIT हमीरपुर के अंदर बहुत ही लोअर ब्रांच अलॉट हुई थी बाद में जाके। और मैं MPDT से भी चला गया था, फिर फर्स्ट राउंड तो निकल गया था, फिर सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया और जो फर्स्ट राउंड के अंदर मुझे कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल सकती थी उससे रह गया। तो ये गलती आप लोग मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग कर देते हैं, सिर्फ जोसा में अप्लाई कर देंगे, MPDT में नहीं करेंगे। और फिर MPDT में एक अच्छी सीट मिल सकती थी, वहाँ से भी चले जाते हैं। तो यार सबसे पहले हम एक डाउट ले लेते हैं जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमें NITs, IIITs की लोअर ब्रांच की तरफ जाना चाहिए या फिर SGS, ITS, ITDBB इंदौर की CSIT ब्रांच की तरफ जाना चाहिए। ये डाउट बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा अच्छा कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो यार ये डाउट हर साल ही आता है और इसके लिए मैं दो ऑप्शन रखता हूँ, पहला अपॉर्चुनिटी, दूसरा प्लेसमेंट। कि अगर आप NITs, IIITs के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको भी पता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है, और CSIT लोगों या SGS, ITS, ITDBB भी इंदौर के अंदर तो वहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती। और मेरे अकॉर्डिंग मैं अपॉर्चुनिटी को पहली प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि आप 4 साल बाद कहाँ होगे वो आपके कॉलेज की अपॉर्चुनिटीज और वहाँ का करिकुलम, वहाँ का जो भी एनवायरमेंट है, वहाँ का पीयर ग्रुप्स है, वहाँ के कैसे लोग हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप NITs, IIITs के अंदर जाओगे तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, साथ में पीयर ग्रुप्स अच्छे होंगे और वहाँ का करिकुलम सब कुछ ठीक ठाक देखने मिल जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इतना अच्छा देखने नहीं मिलता, क्योंकि इसे स्टेट गवर्नमेंट ही चला रही होती है और स्टेट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और जो हमारे NITs, IIITs रहते हैं उन्हें हमारे केंद्र की सरकार चला रही होती है, तो वहाँ पर मेंटेनेंस और भी सारी चीज़ें अच्छी देखने मिल जाती हैं। तो अगर आप देख लेना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है तो आप NITs, IIITs की तरफ चले जाएं। और एक और पैरामीटर्स आता है हमारा इंटरेस्ट, कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा कोर में रहता है, कुछ लोगों का टेक फील्ड में रहता है। तो जो टेक फील्ड में जाना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ कोडिंग करनी है, कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, वो SGS, ITS, ITDBB इंदौर के CSIT को देख सकते हैं। और जिन्हें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो लग रहा है कि मुझे कॉलेज अच्छा मिले, प्लेसमेंट अच्छा हो और अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, क्योंकि NITs, IIITs के अंदर भी कोर ब्रांचेस में भी जो लोअर ब्रांचेस रहती हैं वहाँ पे भी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। तो जिन्हें सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उन्हें कॉलेज अच्छा मिल जाए, तो वो थोड़ा सा NITs, IIITs की तरफ देख सकते हैं। और एक और पैरामीटर देख लेना सिटी का, कि वो कॉलेज कौन सी सिटी में है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है। वैसे इतना ज़्यादा मैं इसे फोकस नहीं करता, लेकिन जो बाहर घूमना पसंद करता है और जिसको चाहिए कि मुझे एक अच्छी सिटी मिले, एक्सप्लोर करना है, उस सिटी को भी थोड़ा देख लेना कि उसे किस सिटी में जाना है, उस बेस पर भी वो डिसाइड कर सकता है। तो बस यही 2-3 पैरामीटर्स हैं, पहला अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट का है कि जिसे कोडिंग में जाना है वो SGS, ITS, ITDBB की तरफ जा सकता है, और जिसे नहीं जाना, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो NITs, IIITs की तरफ जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा सिटीज़ है, कि आपको सिटीज़ भी थोड़ा सा देख लेना, बस 2-3 पैरामीटर्स के बेस पे आप डिसाइड कर लेना। और अगर आपको अभी तक जोसा काउंसलिंग के अंदर कुछ भी नहीं मिला है और आपने MPDT काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये गलती मत करना, बहुत लोग कर देते हैं। तो अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 25 जुलाई तक है, तो MPDT में भी रजिस्ट्रेशन कर दो। वो हो जाता है कि अगर MPDT में कुछ मिल गया तो यहाँ से नाम कटवा के आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो आप अपने पास ऑप्शन दोनों रखो। और ये बहुत बार होता है कि SGS, ITS, ITDBB के अंदर कई सारे लोग रहते हैं जो कि आ जाते हैं MPDT के थ्रू, फिर उन्हें NITs, IIITs में कुछ मिल जाता है तो वहाँ चले जाते हैं।
और सीसेप राउंड का ऑप्शन रहता है हमारे पास। सीसेप में जब सीट्स पता चलती हैं कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंट है, तो उसके थ्रू भी काफ़ी सारे लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, दोनों में पार्टिसिपेट करो, दोनों ऑप्शन रखो अपने पास ताकि आपका कुछ भी नुकसान ना हो। जिससे अगर आपको जूसा काउंसलिंग में कुछ नहीं मिला तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा एमपीटीटी का, और जो हमारा फर्स्ट राउंड रहता है उसके अंदर ही कम कट ऑफ जा रही होती है। फिर अपग्रेड का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, फिर सेकेंड राउंड के बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एमपीटीटी काउंसलिंग भी, तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि मैं NIT, IIIT एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर क्या डिफरेंस रहता है, तो मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो कि NIT, IIIT एंड IITs में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर डिसाइड कर पाओगे कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर देना, साथ ही इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहां से रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, उस पर चॉइस फिलिंग का भी PDF डला है, वो भी जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी वीडियोज आपके लिए आती रहेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।